बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जिस तरह मैंने अहद किया था कि पोंजी स्कीम के जो भी सो कॉल्ड नेटवर्कर हैं उनके चेहरे से पर्दा ज़रूर उठाऊंगा, इस हवाले से मैंने प्रोग्राम भी किए। आपको मलक नवीद हो गया, राजा रियाज हो गया, सरदार रियाज हो गया, मामून हो गया, अमीर हुसैन उर्फ आमिर मुगल हो गया, इसके अलावा डॉक्टर असगर हो गया, ए बी लंगड़ियाल हो गए, अभी और आहिस्ता आहिस्ता पर्दे उठाए जा रहे हैं। एक तरफ नैब ऑर्डिनेंस है तो दूसरी जानब ये जो बहरूपिये हैं, जो लुटेरे हैं, ये आवाम को लूटे जा रहे हैं। मैंने अमीर हुसैन के ऊपर एक प्रोग्राम किया, उसका माजी दिखाया, फिर उसके सगे चाचा की आप बीती भी आपको सुनाई। उस पर मुझे लोगों ने कहा जी ये आप ज़ातियात के ऊपर हैं। मैं किसी के साथ ज़ातियात के ऊपर नहीं हूँ, मेरा काम सिर्फ ये जो बहरूपिये हैं इनके चेहरे से पर्दा उठाना है कि जो माजी में क्या थे, किन किन कंपनीज में रह के स्कैम कर चुके, अब आगे किस कंपनीज में वो स्कैम करने जा रहे हैं। आज मैं दोबारा बात करूंगा चकवाल के सबसे बड़े बहरूपिये अमीर हुसैन और आमिर मुगल के ऊपर, क्योंकि जिस तरह उसके चाचा ने कहा कि इनके पास क्या था, लेकिन आज उसके कोर रिलेटिव से भी मैं आप बीती उनकी सुनाऊँगा, क्योंकि वो आजकल अरबों रुपये में खेल रहे हैं और कानून को घर की लोंडी उन्होंने समझा हुआ है, झूठे मुकदमात दर्ज करवाने में बहुत ही आगे निकल चुके हैं। अभी ऑलरेडी उनके ऊपर, क्योंकि मैंने जिस तरह अपने प्रोग्राम में बताया था, सिटीज़न पोर्टल के ऊपर उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर हो गई है और नैब ऑर्डिनेंस की जानिब से जो नैब का ऑर्डिनेंस आया था उसमें ये क्लियरली कह दिया गया है कि असासा जात का जो केस होगा वो नैब के पास रहेगा। खैर, इसके ऊपर फिर मैं बात करूँगा, वो पूरी डिस्क्रिप्शन है उसकी। लेकिन अमीर हुसैन और आमिर मुगल के एक रिलेटिव यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने फ़ोन हमें किया, हमारे से मुलाकात की, ख्वाहिश जाहिर की, तो हमने उनको बुला लिया कि भाई आप आ जाएं। इनकी ज़ुबानी अमीर हुसैन उर्फ आमिर मुगल वो क्या था, क्या है इनका क्लैश, उसके साथ क्या है, ये वो सच है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। मैं किसी के ऊपर ज़ाती अटैक नहीं कर रहा, अगर ज़ाती अटैक करता तो मैं अमीर हुसैन उर्फ आमिर मुगल की लड़की वाला चक्कर आपके सामने ज़रूर रखा कि कैसे इसको मार पड़ी थी, वो एक अलहदा, मैं ज़ाती अटैक नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है और अमीर हुसैन उर्फ आमिर मुगल के साथ आपका ताल्लुक क्या है और क्लैश क्या चल रहा है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और मैं उनके रिश्तेदार हूँ और उनका गांव में भी हमारा मतलब है, उनका गांव और हमारा गांव एक ही है। और ये बहुत गरीब आदमी थे, इनके पास कुछ भी नहीं था और ये कराची में रंग का काम करते थे और उधर से ये पहले वन क्वीन में गया, इसने बहुत लूट मार की और चकवाल में आके बहुत प्रॉपर्टी बनाई और उसके बाद ये बी फॉर यू में एशिया का मैनेजर था और वो सब आपके सामने है। बी फॉर यू तो हर आदमी जानता है, इसने बहुत लूट मार की, बहुत पैसा कमाया, अरबों में अभी खेल रहा है और हमारे ऊपर झूठे मुकदमा चला रहा है। और इनको मतलब इनका माजी अगर देखा जाए ना 2013 से पहले तो इनके पास कुछ भी नहीं था, इनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। और अभी आप देखें, वो एक अलहदा बात होती है। आप मुझे ये बताएं, आप जिस तरह कह रहे हैं आपके ऊपर झूठे मुकदमात हैं, अरबों रुपए का मालिक है, तो क्या जिन लोगों को इसने लूटा उन्होंने कोई कंप्लेन कहीं पे की, कोई मुकदमात दर्ज करवाए, कोई इसके साथ उसने पैसे वापसी का तकाजा किया, कोई ये वाला सीन हुआ है चकवाल में? चकवाल में भी लोग चुप हैं, इसलिए चुप हैं कि वो उनको अभी उम्मीद है कि सैफ रहमान वापस आएगा और ये मुनाफा हमको मिलेगा, लेकिन आपको मालूम है कि सैफ रहमान तो अभी नहीं वापस आएगा और किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन लोग अभी जो है ना इसी उम्मीद में हैं कि पैसे मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने किया है, कंप्लेन की है नैब में भी और इनके खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, इनके घर में भी गए हैं, लेकिन इन्होंने आगे से बोला है कि काम चलेगा, वो जो है ना अभी तो फाइव स्टॉक में है ना, तो उसमें वो बोल रहा है कि काम चलेगा, हम लोगों को मतलब मुनाफा देंगे, लेकिन अभी किसी को कुछ भी नहीं दे रहे। तो अमीर हुसैन उर्फ आमिर मुगल की आप बात करें कि वो कितने कुछ लोगों को लूट चुका है, किस किस कंपनी में रहा, और आपके ऊपर जो मुकदमा आप कह रहे हैं उस मुकदमे का स्टेटस क्या है, क्या वो मुकदमा उसने झूठा दर्ज करवाया, सच्चा दर्ज करवाया, वो हकीकत भी बयान करें ताकि जो नाजरीन है उनको ये मालूम हो सके कि ये जो बहरूपिये सो कॉल्ड लीडर्स जिनको मैंने लकब दिया है, काम यह है कि जहाँ पर ये लक्ष्मी देखते हैं ये वहाँ पर गिरना शुरू कर देते हैं। आप माजी जिस तरह इनके बकोल रियाज साहब के माजी आपने देख लिया, अभी और भी बहुत कुछ है। जिस तरह मैंने उनके प्लाजे का जिक्र किया, उस प्लाजे में सर्च ऑपरेशन भी हुआ, वो बात भी अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई, वो बात भी आपसे शेयर करूंगा कि कैसे वहां पे स्नैप चेकिंग की गई, क्या कुछ निकला, ये एक अलहदा एक वीलॉग है। लेकिन
यहाँ पे बात हो रही है सो का लीडर्स की, तो आप ये बताएं कि चकवाल में उसने कितनी कुछ लूट मार की, क्या कोई लोग इसके पास आए, पैसों का तकाजा किया या नहीं किया, क्या लोग इसके पास क्यों नहीं आते? ये हमारे गांव में तो 95% लोगों को इसने लूटा हुआ है, और जिस जो इसने प्रॉपर्टी बनाई हुई है ना, वो तो सब लोगों को मालूम है। ये जो FM88 खरीदा हुआ है, और कितने बंगले गाड़ियाँ, और इनके पास फॉर्चुनर गाड़ियाँ हैं, इनके पास कुछ भी नहीं था, मोटरसाइकिल भी नहीं था। अभी लोगों को मालूम है, अभी लोग इंतज़ार में हैं, और सब लोग आपस में तो बातें कर रहे हैं कि इसने हमको लूट लिया है, लेकिन अभी सामने कोई नहीं आ रहा। गांव का तो हम किसी के साथ रब्ता भी नहीं किया, लेकिन ये है कि सब लोग परेशान हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं कि इसने हमको लूटा है, और बड़े पैमाने पर लूटा है, ऐसे थोड़ा नहीं लूटा, बहुत लूटा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे ऊपर इसने केस किए हैं ना, वो सरासर झूठे हैं। आफ्ताब खालिद जो नायब तहसीलदार है, उसने हमारी ज़मीन की पैमाइश ही नहीं की है, और इन्होंने पैसे दे के हमारे ऊपर तजावत रिपोर्ट बनवाई है, और जो हल चलाया ना, ये बोलते हैं कि इन्होंने हल चलाया और निशान मिटा दिए हैं, वो इन्होंने जो FIR दी हुई है वो 10 फरवरी की है, और मैं 18 फरवरी को पाकिस्तान आया हूँ। सरासर झूठ है, सब झूठ है। अच्छा जी, ये बताएं कि आमिर मुगल का असल नाम क्या है, इसका एग्जैक्ट घर का एड्रेस क्या है, और आपकी अरबाब इख्तियार से अपील क्या है? सर, इसका असल नाम है आमिर हुसैन, और एग्जैक्ट इसका जो एड्रेस है वो जमालवाल का रहशी है, चकवाल और जमालवाल का। और अकामे बाला से हमारी अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे ऊपर सारे झूठे मुकदमात हैं, कोई ज़मीन का मतलब है इनके साथ हमारा लेन देन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो पर्चे हमारे ऊपर कराए हैं वो सारे झूठे हैं, इंक्वायरी में भी झूठे हुए हैं, और इनके गवाह भी पेश नहीं हुए। और अभी ये जो है ना, हर रोज़ हमारे ऊपर पर्चे करा रहे, दरख्वास्तें दे रहे, हमको चैन से नहीं बैठने दे रहे। और इन्होंने मतलब इनका माजी देखा जाए तो इसका बाप जो है ना, 1972 से लोगों के ऊपर दरख्वास्तें दे रहा है, और अभी भी इन मतलब लोगों की देखी जाए तो ये बस दरख्वास्त ही है, हर टाइम इन्होंने इनका यही चक्कर चला रहता है कि दरख्वास्तें देते रहते हैं लोगों के ऊपर। जी नाजरीन, ये अमीर हुसैन उर्फ आमिर मुगल का आज दूसरा पोस्टमार्टम मैंने किया है। अभी आहिस्ता आहिस्ता मजीद पोस्टमार्टम होते रहेंगे, और मैं आवाम को आगाह करता रहूँगा कि जो बहरूपी हैं, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जिनको मालूम होता है कि फलां कंपनी आ रही है, उसने स्कैम कर जाना है, तो वो सिर्फ अपने कमीशन की खातिर, रातों रात करोड़पति बनने की खातिर, अरबपति बनने की खातिर अवाम की इन्वेस्टमेंट उसमें लगवाते हैं, अपना कमीशन लेते हैं, साइड पे हो जाते हैं। अभी ये दूसरा पोस्टमार्टम है अमीर हुसैन और आमिर मुगल का। चकवाल में और कौन कौन से लोग हमारे साथ रबते में हैं, किन किन लोगों ने हम अप्रोच किया, उनकी ज़बानी भी आपको इसी तरह की चीज़ें बताते रहेंगे। लेकिन खुदा रहा, ये जो सो कॉल्ड लीडर्स बहरूपी हैं, इनकी बातों में आके ये आपको बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े चांद दिखाते हैं, सोने के पहाड़ दिखाते हैं, इनकी बातों में आके आप अपनी जमा पूंजी से महरूम मत होइए। ये दूसरा पोस्टमार्टम है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में तीसरा पोस्टमार्टम इससे ज़्यादा खौफनाक होगा, एक खातून का होगा, उसकी ज़बानी भी सुनिएगा कि अमीर हुसैन ने उसके साथ किस तरह लूट मार की, क्या क्या सपने, क्या क्या ख्वाब दिखाए गए, वो भी आपके लिए पेश किया जाएगा। और मेरी अपील फिर दोबारा ये होगी कि सो कॉल्ड लीडर्स जो हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनसे स्टाम्प पेपर पे ये तहरीर लिखवाएं कि अगर कंपनी स्कैम कर गई तो इस रकम के जिम्मेदार आप होंगे और आप वापस करने के पाबंद होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।